सुप्रभात। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, अब इसके आगे चौथा दृश्य शुरू होता है। कुंभकार घट रचनायाम लीनः गायति। कुंभकार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला घड़े बनाने के में लीन है, लगा हुआ है और गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटान अहम्। जीवनम भंगुरम सर्व सर्वम यथैस मृत्तिका घटः। यथा एषः मृत्तिका घटः सर्वम जीवनम भंगुरम जीविका हेतु जीवनम भंगुरम ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु अहम् घटान रचयामि। ये अन्वय हुआ। यथा एषः यथैषः, यथा धन एषः या संधि यह, तो यथा एषः जैसे यह मृत्तिका घटः मिट्टी का घड़ा। सर्वम जीवनम भंगुरः, जैसे यह मिट्टी का घड़ा है कि पानी पड़ने पर, यदि कच्चा है तो पानी पड़ने पर नष्ट हो जाता है, पका हुआ है गिर जाने पर टूट जाता है, वैसे ही यह जीवन भी भंगुर है, नष्ट होने वाला है। यह जानते हुए, ज्ञात्वा अपि जानते हुए भी जीविका हेतु जीवन यापन के लिए अहम माने मैं घटान रचयामि खड़ों को बनाता हूँ। यह कुंभकार इस प्रकार से का गीत गाता है और कहता है। अरे चंदन चंदन इसलिए यहाँ पर दोनों आए हैं, चंदन और मल्लिका पति पत्नी दोनों साथ में आए हैं। तो पहले चंदन है, चंदना नमस्करोमि तात। तात जो है यह बच्चे के लिए भी आता है, पिता के लिए भी आता है, तो यहाँ पर और सम्मानजनक बड़ों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो तात नमस्करोमि, तात मैं नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, 15 घड़ों को चाहता हूँ, अर्थात 15 घड़े लेने आया हूँ। किम दास्यामि, क्या दोगे। अब कुंभकार का नाम है देवेश, कथम न, क्यों नहीं, ऐसे नहीं। विक्रियमाणा एव एते, बेचने के लिए ही, एते विक्रियमाणाय एव, ये तो बेचने के लिए ही है। गृहाण घटान घड़ों को लो। पंच शतोत्तर रूप्यकाणि च देहि, और घड़ों को लो और पंच शतोत्तर 500 रुपये दो। चंदन चंदन कहता है साधु बहुत अच्छा ठीक है, परम परंतु मूल्यं तु दुग्धम विक्रीम एव दातुं शक्यते, परंतु मूल्य तो कीमत तो दूध को बेचकर ही देने में समर्थ हूँ। शक्यते यानी दूध बेच करके ही इन घड़ों की कीमत दूंगा। देवेश देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, पुत्र क्षमा करो, मूल्यम बिना तो एकम अपि घटं न दास्यामि, मूल्य के बिना कीमत के बिना पैसे के बिना तो एक भी घड़ा मैं नहीं दूंगा। न दास्यामि नहीं दूंगा, एकम घटं न दास्यामि एक भी घड़ा नहीं दूंगा, यदि पैसा नहीं दोगे तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। इस प्रकार देवेश कहता है, अर्थात कुंभकार इस प्रकार कहता है यदि पैसा नहीं दोगे तो हम एक भी घड़ा तुम्हें नहीं देंगे। मल्लिका, अब मल्लिका कहती है जब वह देती है कि हाँ नहीं बिना पैसे के देवेश घड़ा देने वाला नहीं है, कुंभकार घड़ा नहीं देने वाला है, तो वह अब कुछ उपाय सोचती है। तो स्वाभूषणम स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण को देना चाहती है।
कहती है तात यदि अधुनायु मूल्यम आवश्यकम तरही गृहाण एतत् आभूषणम्। तात यदि अधुनायु अधुना एव अधुनायु अभी ही मूल्यम एव आवश्यकम मूल्य आवश्यक है अभी ही यदि अभी ही मूल्य आवश्यक है तरही तो एतत् आभूषणम् गृहाण इन आभूषण एतत् आभूषण यह आभूषण ग्रहण करो। अब आगे देवेश कहता है वह अपने आभूषण को देना चाहती है तो देवेश कहता है पुत्री न अहम पाप कर्म करोमि मैं पाप कर्म नहीं करूंगा करोमि करता हूं कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम मैं त्वाम आभूषण विहीनाः कर्तुम कथमपि नेच्छामि मैं तुम्हें आभूषण से विहीन करना नहीं चाहता हूँ यानी मैं तुम्हें आभूषण विहीन करना नहीं चाहता हूँ नयतु ले जाओ यथा अभिलषितान घटान नयतु ले जाओ नयतु नयताम नयन्तु रूप चलता है तो नयतु यथा अभिलषितान घटान जो जितने घट चाहिए जितने घड़ों की अभिलाषा है उन घड़ों को ले जाओ नयताम नयतु आज्ञा था। दुग्धम विक्री एव घट मूल्यम ददातु दूध बेच कर ही घड़ों की कीमत ददातु देना ऐसा देवेश कहता है। उभव दोनों धन्य वसिता था आप धन्य है तात आप धन्य है ऐसा कहते हैं। चौथा दृश्य यही समाप्त हो जाता है आगे पांचवा दृश्य शुरू हो जाता है। मासांतरम संध्या काल महीने भर बाद संध्या का समय है एकत्र रिक्ता नूतन घटाः सन्ति एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति नूतन घटाः एकत्र रिक्ता एक जगह पर नए घड़े खाली नए घड़े एकत्र हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः अन्य च दुग्ध क्रेतारः दूध खरीदने वाले और अन्य ग्रामवासी भी और दूसरे ग्रामवासी भी तत्र आसीनः वहां पर अत्र यहां आसीन हैं। हाँ दुग्ध क्रेतारः अन्य च ग्रामवासिनः अपर तत्र अपर अपरः अत्र परत्र आसीना और दूध खरीदने वाले और अन्य दूसरे ग्रामवासी भी वहां पर आसीन है बैठे हैं। चंदन धेनु को प्रणाम करके मंगलाचरण विधाय मंगलाचरण करके मल्लिकाम आवाहयति मल्लिका को अर्थात अपनी पत्नी को बुलाता है मल्लिके सत्वरम आगच्छ शीघ्र सत्वर माने शीघ्र आगच्छ आओ गच्छने जाओ आगच्छने आओ मल्लिका आयामि नाथ आती हूँ स्वामी दोहन आरभस्व तावत दोहन दूध दुहने का आरंभ करो तब तक दूध दुहने का आरंभ करो मैं आती हूँ ऐसा मल्लिका कहती है। चंदन यदा धेनोः समीपं गत्वा दुग्धम् इच्छति यथा जैसे धेनु के पास गाय के पास समीपं माने पास गत्वा माने जाकर गमधन गत्वा गत्वा जाकर दुग्धम् इच्छति दूध निकालना चाहता है दूध दुहना चाहता है तदा तव धेनुः पृष्ठ पादेन प्रहरति तब गाय पीछे के पैरों से प्रहार करती है। चंदनः च और चंदन पात्रेण सह पात्र के साथ पर्तन के साथ पतति गिरता है। नंदिनी दुग्धम देहि नंदिनी दूध लो
किम जातम ते किम जातम पुनः प्रयासम करोति, तुम्हें क्या हुआ, पुनः प्रयासम करोति फिर से प्रयास करता है, पुनः प्रयासम करोति फिर से प्रयास करता है, नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चन्दनं रक्तरंजितं करोति, नंदिनी और नंदिनी पुनः पुनः बार बार पाद प्रहारेण पैरों के प्रहार से ताड़यित्वा ताड़ित करके उसे मार कर चन्दनं रक्तरंजितं करोति, चंदन को रक्तरंजित कर दिया, लहूलुहान कर दिया, हा हतोस्मि मैं हतोस्मि मारा गया, मरा मर गया ऐसा चीत्कारं कुर्वन् पतितः, चीत्कार करते हुए चिल्लाते हुए पतितः गिर गया, सर्वे आश्चर्येण सभी आश्चर्य से चंदनं अन्योन्यं च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन को और दूसरी तरफ देखते हैं। आगे मल्लिका चीत्कारं श्रुत्वा, मल्लिका चीत्कार को आवाज को शोर को सुनकर के चंदन के चीत्कार को सुनकर के झटति प्रविश्य, शीघ्र ही प्रवेश करके नाथ स्वामी किं जातम क्या हुआ, कथम त्वं रक्तरंजितः त्वं रक्तरंजितः कथम तुम लहूलुहान कैसे हुए, अर्थात यह चोट कैसे लगी, चंदनः धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाति, चंदन कहता है कि धेनु गाय दुग्धम अनुमतिम एव न ददाति, दुहने की अनुमति ही नहीं देती है, दोहन प्रक्रिया आरभ माणम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रिया को आरंभ करते ही वह माम ताड़यति मुझको मारती है, मल्लिका धेनु को स्नेह से प्यार से वात्सल्येन च और वात्सल्य प्रेम के साथ आकार्य पुचकार कर उसे आवाज लगाती है, दुग्ध प्रयते और दूध निकालने का प्रयास करती है, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु परंतु धेनु दुग्धहीना एव दुग्धहीन इति अवगच्छति ऐसा जान पड़ती है, दुग्ध हे हीना गाय दूध से रहित है, दूध से हीन है ऐसी जान पड़ती है, इति अवगच्छति ऐसी जान पड़ती है, मल्लिका अब मल्लिका कहती है चंदनम प्रति चंदन के प्रति कहती है नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम, आवाभ्याम अत्यनुचितम अति अनुचितम अत्यंत अनुचितम कृतम आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा अति अनुचितम अत्यंत अनुचित कार्य किया गया, यद कि मास पर्यंतम धेनोः एक महीने तक धेनोः दोहनम न कृतम, कि गाय को दोहने का जो कार्य नहीं किया गया यह हम दोनों के द्वारा अत्यंत अनुचित कार्य किया गया, सा पीड़ां अनुभवति वह पीड़ा का अनुभव करती है, अतएव ताड़यति वह तेन जिससे सपीड़ा अनुभवति वह पीड़ा का अनुभव करती है, वह पीड़ा का अनुभव करती है अतएव ताड़यति इसलिए वह प्रहार करती है, चंदनः देवी मया ज्ञातं यत् देवी मया अभी ज्ञातं यत् मुझे भी यह ज्ञात हुआ कि अस्माभि सर्वथा कि हम लोगों के द्वारा हमारे द्वारा सर्वथा अनुचितम एव कृतम यत् हम हमारे द्वारा हमेशा यह जो न दोहने का गाय को के दोहन का जो न दोहन दुग्ध न निकालने का निर्णय लिया गया यह अनुचित ही है कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहन न कृतम कि जो पूरे महीने तक दोहन का कार्य नहीं किया यह
अनुचित ही हुआ। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया। यह दूध है इसका वह इसके थन में ही सूख गया। सत्यमेव उक्तम, सही ही कहा गया है कि यत अद्यतनीयम कार्यम अद्यतनीयम यत तदद्यो विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। यत अद्यतनीयम कार्यम तत अद्यो विधीयताम यस्य गति विपरीते स ध्रुवम कष्टम लभते। यत कि अद्यतनीयम, अद्यतनीयम कार्यम आज का काम अद्यैव आज ही करना चाहिए, आज का काम आज ही करना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। और विपरीते इसके विपरीत जो यस्य गति विपरीते स ध्रुवम कष्टम लभते, जिसकी गति अर्थात जो इसके विपरीत कार्य करता है वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। तो इस में इस पद में कहा गया है, श्लोक में कहा गया है पद्यांश में कि कार्यम अद्य आज का कार्य आज ही करना चाहिए, आज के कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसके विपरीत जो कार्य करता है अर्थात इसके विपरीत जो आचरण करता है वह हमेशा कष्ट का अनुभव करता है। मल्लिका आम भरता, हाँ स्वामी सत्यमेव, सत्य ही है। मया भी पठितम यत कि मैंने भी ऐसा पढ़ा है। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यह करोति अविचार्य एतत्, करोति अविचार्य एतत् स विसीदति मानवः। यहां देखते हैं इसको फिर से, कल्याणकांक्षा कार्यम सुविचार्य विधातव्यम यह मानवः एतत् अविचार्य, एतत् अविचार्य कार्यम करोति स विसीदति। कल्याणकांक्षिणः, कल्याण को चाहने वाले को कार्यम सुविचार्यम विधातव्यम, कार्य को हमेशा सुविचार्यम ठीक प्रकार से विचार करके ही विधातव्यम संपन्न करना चाहिए। यह मानव जो मनुष्य अविचार्यम बिना विचार के कार्यम करोति, कार्यम करोति कार्य करता है स विसीदति, वह दुख को प्राप्त हो करता है, वह कष्ट का अनुभव करता है, ऐसा इसमें कहा गया है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु प्रत्यक्ष रूप में अद्य आज ही एतत् यह अनुभूतम अनुभव किया। दिनस्य कार्यम कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, आज जिस दिन का हो आज का कार्य आज ही करना चाहिए, तस्मिन् एव दिने उसी दिन करना चाहिए, जो कार्य आज का है उसे आज ही करना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पर्दा गिरता है, स्लेट या नाटक था तो अब पर्दा गिरता है, सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदान प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। क्षिप्रम, यहाँ क्षिप्रम
अक्रिय मणस्य शीघ्रता से, शीघ्रता से न किए गए कार्य का आदान प्रदान से, आदान प्रदान से और लेन देन, जो लेना देना है, लेन देन है, ऐसे कर्तव्य से चला और जो करने योग्य कार्य है इनको यदि समय से नहीं किया जाता तो उस काम का, उस कार्य का आनंद, तस्य कार्यस्य आनंदम आनंदः तदरसम, तदरसम तो तस्य कार्यस्य रसम कालः पिबति, उस कार्य का आनंद, तदरसम तो उस कार्य का आनंद जो उससे आनंद प्राप्त होता है उस कार्य से, उसको समय ही पीता है, अर्थात समय ही उसे पी जाता है। माने जो हमारे क्षिप्रम शीघ्रता पूर्वक किए गए कार्य को करना चाहिए, जो लेन देन है उसे भी शीघ्रता से संपन्न करना चाहिए, जो करने योग्य कार्य है उनको भी करना चाहिए। यदि इनको, इन सब को, इन सब कार्यों को समय से नहीं करता है व्यक्ति, तो उस कार्य में का जो आनंद है उसे समय ही पी जाता है, यही इसमें कहा गया है। तो यहां पर गृह कार्य शब्दार्थ और उसके पश्चात फिर यहां पर प्रश्नोत्तर जो है वो इनके भेज देंगे। तो इस तरह से ये सारा कार्य उत्तर पुस्तिका में करना है।